देख रहे हैं पकड़पुर की आवाज चैनल, चलते हैं खबरों की तरफ। जनपद श्रावस्ती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में उसी के घर के कमरे में लाश पड़ी हुई मिली। आपको बताते चले, वहीं मृतका के घर से पति और मृतका के सास फरार हो गए हैं, जिससे मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या दहेज के कारण की गई है और उसकी बेटी को उसके पति और सास ने गला दबाकर हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि घटना श्रावस्ती जिले के थाना सिरसिया के अंतर्गत भरथा कला की है, जहां पर एक महिला की लाश उसी के घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी हुई मिली। जब लोगों को पता चला और इसकी सूचना लड़की के परिजन और पुलिस को दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी बेटी की मेहनाज का विवाह 6 वर्ष पहले भरथा कला के मोहम्मद आलम के साथ मुस्लिम रीत रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन पति उसको रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था और विवाद होता रहता था, जिसको लेकर सास और पति ने मेरी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। वहीं घर से मृतका के पति और सास दोनों मौके से फरार हो गए हैं। इसी से सीधा संदेह होता है कि कहीं ना कहीं महिला की हत्या में इनका भी हाथ हो सकता है। ये बताइए, ये कौन सा गांव है? भरथा कला। और जो यहाँ घटना हुआ है, कैसे हुआ? रात में लड़की का यहाँ हमारे घेंघा दाब के महतारी पो दोनों मार डाली। किसने मारा है, क्या नाम है? दम मोहम्मद आलम पतलूमन। अच्छा, और जो जो है ये आपको कैसे पता चला? हमको या सलीम प्रधान के घर में एक मेहरारू रहा थी, छोटकऊ नाम के, तो वो मेहरारू जस चूल्हा थी हम बैठे नाग के दार है, तैसे उग गए। पता बताई इसकी तो आपके लड़की दीवाल के तरह गचकचर के मरी। आप जिसकी मृत्यु हुई है उनकी आप कौन है? माँ। अच्छा, आप उनकी माँ है? उनकी माँ है। तो मतलब जो जो हत्या हुआ है, इनके पति हैं? किसने मारा है इनको? मोहम्मद आलम पति हैं। अच्छा, उनके सास पतलूमन ही वो मारी थी। दो लोग मिलकर के? दोनों मिलकर मारी। आपकी लड़की का क्या नाम था? मेहनाज। अच्छा, और ये आप भी यही गांव में रहती हैं? यही गांव में रहते हैं। अच्छा, ठीक। सब्सक्राइब करें फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।